तो नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आपका सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज आए हैं हम खेतों की तरफ। तो आज बहुत दिनों बाद खेतों में आए हैं देखने, खेतों में कैसी पैदा है, देख रहे हैं गेहूं कैसे हैं, पानी की पानी लगेगा अब इसमें, एक लास्ट पानी और लगेगा, तीन पानी लग चुके हैं इसमें, ये आप देख रहे हैं, ये गेहूं अपने हैं, ये सारे, ये सरसों है पास में, ये सरसों कट गई है, ये रॉकी है, रॉकी आजा बेटा आजा, रॉकी आजा, ये अपना रॉकी है, रॉकी घूमने आया है मेरे साथ में, आजा बेटा ले आजा, चले चलने के लिए बोल रहा है आप। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है गांव का, और हमने आके इधर खेतों में बनाया है, सब लोग देखें हमारी ऐसी फसल है। और ये हमारा गांव है, यहीं रहते हैं हम, गांव से 5 किलोमीटर दूरी पर हमारा खेतों में ढाणी है, यहाँ पर रहते हैं हम। और हमारा नाम गबरी सिंह गुर्जर मेरा नाम है, और ग्रेजुएशन की हुई है प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक, इलेक्ट्रिकल से बीटेक हूँ मैं, और प्राइवेट जॉब करता हूँ। और जॉब करने के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करना स्टार्ट कर दिया मैंने। मैंने सोचा चलो फ्री रहता हूँ तो अपना ब्लॉग वीडियो भी बना लें तो अपना ठीक रहेगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो मिलता रहेगा तो हम एक बड़े मुकाम हासिल करेंगे। और ये है अपना खेत, ये पास में बंद है जिसमें, ये इसकी पार दिखाई दे रही है आपको, इसमें अभी ERCP योजना जो चल रही है उसका पानी का वो भी है, जो जल जीवन मिशन की योजना है उसका इसमें नाम है, इसमें पानी आएगा तो हमारे यहाँ पानी की खूब पूर्ति हो जाएगी। बाकी पानी है हमारे यहाँ काफी, 500 बर्फ पानी है। ये हमारा खेत है, खेतों को हम देखने आए हैं आज। चलो रॉकी, चले रॉकी घर चलो। वैसे हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं है गाय का, जैसे लोगों के जंगली गाय और छोड़ देते हैं लोग जानवर वगैरह, वो नुकसान करते, वो कोई नुकसान नहीं है। बाकी हमारे पास में ही खेत हैं सब, चारों तरफ यहीं पर ढाणी है, ढाणी के चारों तरफ अपनी पूरा इकट्ठा खेत यहीं पर है। ये सरसों कट गई है तो कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ सरसों कट गई, कमेंट में लिख के बताएं सभी दोस्त, और हमारे चैनल पर विजिट करें, हमारी वीडियो देखें। ये सारा सीन, ये चारों तरफ हरियाली हरियाली, ये देखो चारों तरफ हरियाली है, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है हमारे यहाँ, एकदम साफ रहता है, और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, प्रदूषण की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। शहर से तो बहुत अच्छा है, शहर में लोग घुट घुट के जीते हैं बेचारे, यहाँ पर प्योर देसी भैंस रखते हैं सभी किसान परिवार हैं, भैंसों का दूध पीते हैं, गाय रखते हैं पीते हैं, खेत में से आराम से बथुआ की सब्जी बनाते हैं। ये बथुआ यहाँ पर है, दिखाता हूँ मैं आपको, आजकल तो क्या है लोग दवाई दे देते हैं खेतों में, दवाई से सारा नष्ट हो गया। बथुआ का पेड़ है, बथुए का रायता बनाते हैं, ये बथुए का पेड़ है, बताता हूँ आपको, एरा ये बथुआ है, इसकी हरी सब्जी बनती है, छाछ में बनती है, और रायता भी बनता है दही में, बहुत अच्छा रहता है। किस किस ने खाया है रायता गांव का, कमेंट करके कमेंट में बताएं सभी लोग, और जब भी अच्छे होंगे हम भी स्वस्थ हैं, मस्त रहते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं मस्त। और मेरे एक बच्चा और एक बच्ची है, छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, तो सभी को बने रहिए हमारे वीडियो में, सभी सभी को हमारा राम राम, नमस्कार।
मिलते हैं अगली वीडियो में।